हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब तेज रफ्तार खबरों के बाद बात उस बड़ी खबर की जिसमें राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर जवानों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के विशेष विमान को लेकर हमला कर रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने इसमें जवानों का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसके बाद इसमें सीआरपीएफ को बयान जारी करना पड़ा। सीआरपीएफ ने कहा कि वीडियो की सच्चाई की जांच हो रही है और वीडियो में क्या था, जो जवान है वो गाड़ी में बैठे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है इसमें गोली तो क्या, अगर पत्थर भी मारा जाए तो इस गाड़ी में छेद हो जाएगा। जिसके बाद ये पूरा वीडियो सामने आया और सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया। जवानों के वायरल वीडियो पर घमासान। यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा। वायरल वीडियो पर राहुल गांधी का सरकार पर सवाल। कमांडर नहीं बताएगा तो हम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जवानों की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल, जांच में जुटी सीआरपीएफ। उसमें और 10 आदमी जा सकता है कि नहीं, पूरा सेक्शन को ले चले। शनिवार की सुबह 8 बजे राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से करीब 2 मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो ट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा था, हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने भेजा जा रहा है और पीएम के लिए 8500 करोड़ का हवाई जहाज, क्या ये न्याय है। वीडियो में कुछ जवान एक ट्रक में बैठे दिखाई दे रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। इन्हीं में से एक जवान इसका वीडियो बना रहा है। इसके लिए बात नहीं, अपने लिए थोड़े, अपने लिए ही ना, इसको बोल रहा था, नहीं बोल रहा था कि तुम्हारा ही प्रॉब्लम इंडिविजुअल प्रॉब्लम। एक दिन विजयपाल नगर बोला, उसको भी चुप करा। ये नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या, यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा, तो हम लोग की जिंदगी सब खिलवाड़ किया जा रहा है। जबरदस्ती बोलने के बाद जो है उसके बाद जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम जो है यहाँ पर आदत कर रहे हो। ये बात जो है बताने कमांडर का काम है, ठीक है। कमांडर नहीं बताएगा तो हम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना जी, जानबूझ के। कमांडर नहीं बोलेगा, कमांडर को क्या जरूरत है बोलने का, वो तो नहीं बोलेगा। सेक्शन कमांडर को क्या करेगा, सेक्शन को लेकर अपने ओसी साहब 5 आदमी को लेकर अपना बीपी उसमें और 10 आदमी जा सकता है कि नहीं, ये पूरा सेक्शन को ले चले उसी में, वहाँ जब रहता ही है तो। एक बड़ा ट्रक एक अलग, यहाँ जो मरने वाला है सबको छांट के भेज दिया, जाओ मरो इसमें। ये क्या है इसमें, ये टीना पत्थर मारेगा इस पार हो जाएगा। बहुत बेकार व्यवस्था है, पूरा गाड़ी का भाड़ा दे रखा है, अपने बुलेट प्रूफ में जाता है ओसी इंस्पेक्टर और कंपनी को टीम को बोल देता है नॉन बीपी में जाओ। बोलने के बाद बोल रहा है गाड़ी कहाँ से लाऊं, तो अरे आप व्यवस्था कराना, आपका काम है, ड्यूटी ले जा रहे हो, हम लोग के जिंदगी के साथ खेल रहे हो, हमारे परिवारों के जिंदगी के साथ खेल रहे हो, तो व्यवस्था कराना। यहाँ आप ड्यूटी को सुचारू रूप से चलाना आपका जिम्मेदारी है, तो आपका एडम भी कराना आपका ही जिम्मेदारी है, ना कि हमारा जिम्मेदारी है कि हम गाड़ी कहाँ से लाएंगे। गवर्नमेंट अगर ड्यूटी करा रही है हमको तो हमको गाड़ी व्यवस्था देगी, आप ऐसे हम लोग के जिंदगी के साथ जबरदस्ती खेल रहे हो। सुना आपने, इस वीडियो में कुछ नाराज जवान बता रहे हैं कि उनका सीओ खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाता है और उन्हें साधारण ट्रक में भेजा जाता है, ऐसी गाड़ी जिसमें पत्थर मारने पर छेद हो जाए, जो कि बेहद खतरनाक और जानलेवा है। ये क्या है इसमें, ये टीना पत्थर मारेगा इस पार हो जाएगा। राहुल गांधी के इस ट्वीट को करीब 1,00,000 लोग लाइक कर चुके हैं, ये 30,000 से ज्यादा बार रिट्वीट भी हो चुका है। इस ट्वीट के वायरल होते ही सीआरपीएफ के डीआईजी ने बयान जारी कर दिया। सीआरपीएफ वीडियो की सत्यता की जांच कर रहा है। सीआरपीएफ के पास जरूरत के हिसाब से पर्याप्त सुरक्षित गाड़ियां हैं। एबीपी न्यूज ने भी वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि ये वीडियो 9 अक्टूबर को पहली बार कश्मीर इंटेल नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था। अपने लिए ही ना, इसको बोल रहा था, नहीं बोल रहा था कि तुम्हारा ही प्रॉब्लम। इसमें लिखा गया था, कश्मीर
भारतीय पैरामिलिट्री जवान इस बात से खुश नहीं है कि उनका अफसर खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में ड्यूटी जाता है लेकिन उन्हें दूसरे ट्रक में ड्यूटी भेजता है। ट्वीट में बताया गया है कि ये वीडियो भारतीय सेना का पक्ष लेने वाले एक YouTube चैनल से लिया गया है जो कि 8 अक्टूबर को अपलोड किया गया था। गवर्नमेंट अगर ड्यूटी करा रही है हमको तो हमको गाड़ी व्यवस्था देगी, आप ऐसे हम लोग के जिंदगी के साथ जबरदस्ती खेल रहे हो। दावा किया गया है कि ये वीडियो कश्मीर का है। इस ट्वीट के दावे के बाद से ही CRPF ने जांच बैठा दी है और कहा है कि उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियों की कमी नहीं है। इस बीच मामले पर कांग्रेस हमलावर हो चुकी है और प्रधानमंत्री के विशेष हवाई जहाज का हवाला देकर निशाना साध रही है।